जय हिंद ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्क्वाड अकेडमी पे। आज हम आपको लेकर आए हुए हैं प्रैक्टिस सितंबर 24। आपको मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए होते हैं, जो प्रीवियस में आए हुए होते हैं या अपकमिंग जो आ सकते हैं मोस्ट, उसी पे लेकर ही मैं बात करना चाहता हूँ और उसी को लेकर ही मैं आया हूँ। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, उन्हीं पे बेस्ड आज का हमने पेपर तैयार किया हुआ है। आप और आप इसको लगा के देखिए और देखिएगा जाके कि आप इनमें से कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है, आपका ज़्यादा मैं टाइम ख़राब नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी है, तो सीधे अपने मुद्दे की बात करेंगे। और आज का हमारा पहला आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कह रहा है हमसे कि अगर, ठीक है, अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की पावर 2 प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की पावर 2 इज इक्वल टू क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए ए प्लस बी रहेगा या ऑप्शन बी ए माइनस बी रहेगा, ऑप्शन सी 0 रहेगा, ऑप्शन डी 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। आपको इसमें बताना है, इसको हमने जब सॉल्व किया, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना 2ab, आगे वालों को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना 2ab, कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपको बस देखना होता है, आपके पास टाइम कम होता है, आपको टाइम का ज़्यादा प्रेशर रहता है, इसलिए क्वेश्चन ऐसे जो आते हुए भी क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं। तो ऐसा इसका मतलब कारण क्या है कि आप प्रैक्टिस करके जाएं, क्वेश्चन को देख के जाएं कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। यस, आते हैं आपके वेक्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हाँ ये 2019 नेवी में आया हुआ था। कह रहा है कि आ सेट इज एक समुच्चय होता है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड में कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का संग्रह होता है, अ वेल डिफाइंड। नेक्स्ट कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ फिक्स कॉमन प्रॉपर विथ अ फिक्स कॉमन प्रॉपर। नेक्स्ट डी ऑप्शन है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। यहाँ पे ये हमसे कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सेट को आपको क्या बताया गया था, सेट में मैंने आपको बताया था कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित समुच्चय होता है, ना कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वस्तुओं का संग्रह होता है, ना कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी रहने वाला है और आपके ये नेवी एग्जाम में आपसे पूछा गया था, नेवी 2018 में ये आपसे पूछा गया था कि सेट क्या होता है। ठीक है, तो आपको अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो इसको आप बता पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सेकेंड हमारा क्वेश्चन था, तो आपको जैसे ही मैंने सेकेंड क्वेश्चन दिया तो आपका नेवी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मिला। नेक्स्ट अगला हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है,
थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर, ठीक है, हाँ कह रहा है इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, इन वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेज, ठीक है, मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर देन, ऑफ सेम ऑर्डर देन, कह रहा है कि ए और दो, ए और बी इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर के हैं, तो यहाँ पे हमसे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग क्या सही होने वाला है। पहले हमसे कह रहा है कि ए बी इनवर्स, ये क्या होगा जाके, आपने बताया कि ए इनवर्स बी इनवर्स होगा, आपके अकॉर्डिंग ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, बी इनवर्स ए इनवर्स रहने वाला है, या ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, ए इनवर्स बी रहने वाला है, नेक्स्ट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, ए बी इनवर्स रहने वाला है। तो आपको जब मैट्रिक्स में बताया गया है कि जब भी अगर आपसे ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ठीक है, आपको कराया भी गया है कि किस तरीके से ये आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर है, ऑप्शन हमारा बी सही होने वाला है, अगर आपने सही से इसको पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो आपकी प्रॉपर्टी भी आपको काम में आएगी, आपका बेसिक भी आपके काम में आएगा, बस केवल आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आज का हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है मैट्रिक्स से, कह रहा है कि एक्स वाई जेड वन वन वन, y प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऑप्शन सी माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऑप्शन डी वैल्यू वन आएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखो एक्स वाई जेड हमारे पास में लिखा हुआ है वन वन वन, वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। मैंने क्या किया कि सी वन में सी थ्री को ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक एक एक, और ये हो गया वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ से एक्स प्लस पहले कॉलम से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो वन 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 वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई बचा जाके अब हमारी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी काम कर जाती है। अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो पंक्तियां अथवा दो कॉलम सेम ऑर्डर में होते हैं, सेम हो जाते हैं, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन हमारा ए सही होगा जाके, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी पे काम कर गया, ठीक है, प्रॉपर्टी पे इसने काम कर लिया, तो ऑप्शन हमारा ए सही होने वाला है। और हाँ, डिटर्मिनेंट में जितने भी 10, 15, 20 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों में से क्या करो कि क्वेश्चन को याद कर लो, उनकी वैल्यू याद कर लो, तो ये थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा, ये टास्क ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन वो ऐसे हैं जो हर एक एग्ज़ाम में हर बार हर दफ़ा वही क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के लिए टॉपिक लेके आऊँगा तो उसमें वो क्वेश्चन ज़रूर मैं डालने की कोशिश करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, रिपीटेड होते हैं, तो इस बात के लिए मैं पक्का आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज का हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, देखिए गाइस, आज का हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ टेन टेन कॉस इनवर्स 4/5
प्लस टेन इनवर्स 2/3। ओके, 2/3 इज ऑप्शन ए, 19/6 ऑप्शन बी, 17/6 आएगी ऑप्शन सी, कह रहा है 13/6 आएगी ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्या वैल्यू रहने वाली है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास में टेन है नॉट इनवर्स है, आगे कॉस लिखा हुआ है। जब भी कॉस के लिए बात करते हैं तो कॉस हमारा क्या होता है, आधार बटी कर्ण होता है, आधार 4 होगा, कर्ण 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस की जगह टेन के लिए लिखेंगे तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3, ठीक है। तो अंदर हो गया टेन, ये यहाँ पे टेन है और अंदर टेन इनवर्स के लिए फार्मूला आएगा तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस का कितना, 2/3/1 माइनस 3/4 गुणा 2/3, ठीक है। तो अगेन टेन इनवर्स यहाँ से हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, नीचे हो जाएगा एलसीएम 12, तो 4 × 3 = 12, 3 × 3 = कितना, 9, 3 × 6 = 12, 4 × 2 = 8, नीचे हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 1 − 1/2 रहने वाला है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन, सॉरी यहाँ पे इनवर्स नहीं है, टेन नेक्स्ट अंदर हो जाएगा टेन इनवर्स 9/8 कितना हो जाएगा, 17/ कितना हो जाएगा, 12, और नीचे हो जाएगा 1/2, 2 ये इसके साथ में आएगा, ये इसके साथ में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन, अंदर फिर टेन इनवर्स 2 × 2 = 12, तो कितना हो जाएगा, 17/6, 10 से 10 कैंसिल होके वैल्यू कितनी आएगी, 17/6, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन हमें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में ऐसा है कि आया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको केवल और केवल जो आए हुए क्वेश्चन हैं केवल वही उस पर बात करना चाह रहा हूँ। और हाँ, इसमें अगर आप देखना चाहो कि इसमें फार्मूला आपने कौन सा लगा दिया, तो मैंने आपको फार्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 − xy, और वही अगर यहाँ पर मेरा माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता और यहाँ पर प्लस आ जाता, ठीक है। आपको जब आपने मेरी बेसिक क्लास देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। आप हमारी बेसिक क्लास में जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 6 जो आज का हमारा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। 6 हमारा क्वेश्चन है, 6 नंबर है कॉन्जुगेट ऑफ जेड ऑफ कॉन्जुगेट, ये हमसे कह रहा है कॉन्जुगेट ऑफ जेड ऑफ कॉन्जुगेट हमसे कह रहा है। ऑप्शन हमारा ए है, कह रहा है कॉन्जुगेट ऑफ जेड वैल्यू आएगी। ऑप्शन बी हमारा है, कह रहा है कि जेड केवल और केवल मॉड जेड वैल्यू आएगी। ऑप्शन सी कह रहा है केवल और केवल जेड वैल्यू आएगी। ऑप्शन डी कह रहा है वैल्यू क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो जब भी अगर इसके लिए आप बात करते हैं, अगर मान लो आपके पास में x प्लस आई वाई लिखा हुआ है, ठीक है, z इज इक्वल टू आई वाई लिखा हुआ है, तो इसका आपने क्या निकाला, मॉड z, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, मॉड z आपके पास लिखा हुआ है, फिर हमने बोला कि इसका भी मॉड निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई। मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू डबल मॉड कॉन्जुगेट निकालना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पहले लिखी हुई थी वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आज का हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैंने डाल के रखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है, कह रहा है कि राइट डाउन द कॉन्जुगेट ऑफ, राइट डाउन द कॉन्जुगेट ऑफ 2 + −5h, ठीक, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी एंड डी।
कॉन्जुगेट के लिए अंडर रूट पाँच होगा, अंडर रूट पाँच आई हो जाएगा, दो प्लस का पाँच आई हो जाएगा, नेक्स्ट दो माइनस का रूट फाइव आई हो जाएगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दी क्या रहने वाला है। तो उसको सही से अगर हम लिख लें तो जेड इज इक्वल टू टू प्लस का अंडर रूट फाइव आई गिवेन है। जब इसके लिए कॉन्जुगेट के लिए बात करेगा तो ये हो जाएगा टू माइनस अंडर रूट फाइव आई। और हमसे अगर इसमें पूछे कि इसका रियल, ठीक है, रियल जेड क्या है, तो इसके लिए क्या बताओगे, दो। और इमेजिनरी जेड के लिए पूछेगा तो क्या बताओगे, अंडर रूट माइनस पाँच, ठीक है, माइनस अंडर रूट पाँच आएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो सेवेंथ नंबर आज का हमारा क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसा भी हमें लिखने के लिए आ जाता है, इस बार ऐसा आया हुआ था, ठीक है, इस बार ऐसा आपके ICG एग्ज़ाम में लिखने के लिए आया हुआ था कि इस तरीके का भी हमसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एट्थ नंबर क्वेश्चन है, एट्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द एट्थ टर्म ऑफ GP ऑफ, ठीक है, कह रहा है द एट्थ टर्म ऑफ, द एट्थ टर्म ऑफ GP इज, ठीक है, हमसे वैल्यू गिवन है 7, 14, 28, 56 अप टू डॉट डॉट, ठीक है, द सेवन टर्म ऑफ GP अप टू डॉट डॉट इज हमसे कह रहा है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू 895 है, 896 है, और यहाँ से 800 है, नेक्स्ट है ननाती इज, वैल्यू क्या है, आठवां पद n बराबर क्या दे रहा है 8, a बराबर यहाँ से फाइंड करूँ तो 7 आएगा। कॉमन रेशियोज के लिए आज बात करूँ तो r इज इक्वल टू होता है सेकेंड अपन फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट क्या है 7, 7 = 7, 7 = 12, 7 = 14 होता है, तो r इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिली, तो मिली यहाँ हमसे t8 पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर कितना 7, ए हमारा कितना है, ए के लिए बात करें कितना है 7, आर कितना है 2, और आर कितना है 2 की पावर कितना हो जाएगा 7, ठीक है, सॉरी की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 7 और ये कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, 256 7 का गुणा 6 से कराएंगे 3 आएगा, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 8 टर्म ऑफ GP इज, तो यहाँ से 7 आएगा, ए आर की पावर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ से 7 आएगा, सॉरी, तो 7 गुणा 2 की पावर 7 का मतलब होता है 216 × 512, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128, तो कितना होता है 128 होता है, 7 का गुणा 8 में करवाएंगे 6 आएगा, 7 का गुणा 2 में करवाएंगे 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 7 × 7 = 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 896, 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128, क्योंकि अगर आप नहीं, अगर आपको पता आ रहा है तो आपने पढ़ रखा है, रिवीजन कर रखा है, इतने मैनी टाइम मल्टीपल करवा लो जितनी बार दिया हुआ है 4, 5, 6 और 7, ठीक है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ठीक है, कितना होता है 128 होता है, 2 की पावर 8 हो जाता है 512, सॉरी 2 की पावर 8 256 हो जाता है, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024 होता है, ओके। तो ये आज का हमारा 8th नंबर क्वेश्चन था, नेक्स्ट हम चलेंगे 9th नंबर क्वेश्चन पे, सर्दी बहुत है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो सभी को बच के रहना है ताकि हमें सर्दी भी ना लगे और हमारा पेपर भी बहुत बिल्कुल सर पे ही है हमारा पेपर, ठीक है। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ रूट सिक्स, ठीक है, प्लस का रूट सिक्स, प्लस का रूट सिक्स अप टू डॉट डॉट इन्फिनिट है, और ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में 3, दूसरे में 2, ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन में 3 अंडर रूट 2, नेक्स्ट में है 2 अंडर रूट 3,
तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी अगर इस तरीके की एक्सप्रेशन कोई क्वेश्चन दिया हुआ है रूट में दो तीन बार रूट लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि इन ये जो संख्या उठाई हमने सिक्स, इसके नियर अबाउट ऐसे मल्टीपल करने हैं कि उनके बीच का डिफरेंस जो है एक मिले। तो यहाँ से थ्री का ओवर टू में इनका फैक्टर किया तो थ्री इंटू टू मिला, इनका डिफरेंस देखा मैंने एक मिला, दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं। बीच में साइन लगा हुआ है प्लस का, किसका साइन लगा हुआ है प्लस का, तो हमेशा वैल्यू कौन सी आएगी बड़ी वाली, कौन सी वैल्यू आएगी छोटी बड़ी वाली। अगर यहाँ पे साइन देखा कि अगर माइनस लगा हुआ है तो वैल्यू कौन सी आती है हमेशा छोटी वाली आती है, तो यहाँ पे मेरा प्लस लगा हुआ है तो वैल्यू क्या आएगी बड़ी वाली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आता कैसे है ये बाद में आपको जब हम पढ़ाएंगे फिर बता देंगे जीपी में। ठीक है, तो ये आज का हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, उस पर बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो 10 नंबर में कह रहा है रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर द इक्वेशन। ठीक है, आर द इक्वेशन ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले में वैल्यू है प्लस माइनस 3, दूसरे में है प्लस माइनस 3 आई एंड नेक्स्ट आगे है वैल्यू 1/3 कमा माइनस 1/3 नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन हैं यहाँ पे हमने देखा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 9, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3 आई आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही रहने वाला है। ठीक है, तो ये बातें हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आपको पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 नंबर था, नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए वैल्यू कह रहा है कि अगर 2r plus 3, ठीक है, अगर 2r plus 3 एंड r माइनस 1th, ठीक है, टर्म्स हैव इक्वल कोफिशिएंट, टर्म हैव इक्वल कोफिशिएंट, ठीक है, हैव इक्वल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x की पावर 15, देन द वैल्यू ऑफ आर इज, देन द वैल्यू ऑफ आर इज। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी जाके, ऑप्शन हमारा ए क्या है, बी सी एंड डी। चार ऑप्शन हैं, पहले ऑप्शन में वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है और क्या है 6 है, 3, 4, 5, 6 वैल्यू है। यहाँ से हमने देखा कि 2r plus 3 एंड r minus 1 एफ टर्म्स आर इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15c 2r प्लस का कितना 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 15c r माइनस कितना 2 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से जब ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो ये हो जाएगा 2r plus 2 इज इक्वल टू r माइनस का कितना 2, तो ये यहाँ पे आएगा r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे देख लेते थोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r plus 2 प्लस का r माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, तो माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 3r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन हमारा सी सही रहने वाला है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही ऑप्शन होगा जाके। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही रहने वाला है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है द एंगल बिटवीन द लाइंस
ठीक है, द एंगल बिटवीन द लाइन्स, ऑप्शन ए, पहले लाइन हमारे पास है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो एंड 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वाई प्लस 2 बराबर जीरो इज, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा है, वैल्यू कह रहा है कि tan इनवर्स 1/2, बी ऑप्शन tan इनवर्स 1/3, सी ऑप्शन कह रहा है कि tan इनवर्स 2, वैल्यू tan इनवर्स 2 रहेगी। नेक्स्ट डी ऑप्शन में कह रहा है कि वैल्यू tan इनवर्स 3 रहने वाली है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ से फर्स्ट लाइन के लिए m1 बराबर क्या रखेंगे, माइनस 2 बटे कितना, माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। m2 के लिए रखेंगे तो माइनस 1/ कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1। और यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। ओके, तो यहाँ से देख लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू m2 की जगह क्या है माइनस 1, m1 की जगह कितना है माइनस 2 अपान 1 प्लस m1 की जगह 2, m2 की जगह माइनस, तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 3 अपान माइनस 1, कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना रहने वाला है tan इनवर्स 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा डी सही होने वाला है। तो इस तरीके से आपको भी क्वेश्चन करना है कि आपको भी क्वेश्चन इसी तरीके से लगाना है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्योंकि आपको भी इसी तरीके से इसी बिहाफ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये श्योर है कि इस बार पेपर आपका सरल आने वाला है, ठीक है, आपका पेपर सरल आएगा, आपकी मैरिड पक्का है इस बार 40 प्लस 40 समथिंग रहेगी, प्लस तो नहीं बोल सकता लेकिन 40 समथिंग रहेगी। ओके, नेक्स्ट हमारा 13 नंबर आज का क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स, ठीक है, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 75 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए बी सी एंड डी, ठीक है। पहला ऑप्शन जो हमारा है कह रहा है 15 आएगी, नेक्स्ट है 14 आएगी, नेक्स्ट 13 आएगी, फिर कह रहा है 12 आएगी। यहाँ पे हमने देखा है कि ए और बी के लिए जब बात करें तो ए इज ग्रेटर देन बी है, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है 2b स्क्वायर अपान कितना होता है a होता है 2, बी स्क्वायर के लिए बात करें तो कितना है 75, a के लिए बात करें कितना है 10 आएगा, देख लिया आपने। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 × 10 और 25, 5 × 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 × 75, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 15। ऑप्शन हमारा a सही होने वाला है, ऑप्शन हमारा ए सही होने वाला है। लेटेस्ट सिस्टम कितनी आएगी 15 आएगी। जब हमारा ए बी से बड़ा होता है तो हमेशा लेटेस्ट सिस्टम 2b स्क्वायर अपान ए होती है, जब ए बी से छोटा होता है तो ये ही हो जाती है 2a स्क्वायर अपान बी, ठीक है, यही हमारी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो 13 नंबर आज का हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन ओके 3x माइनस 2y प्लस का 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन इज, कह रहा है फ्रॉम द
ओरिजिन एच है। ओके, ऑप्शन ए हमारा क्या है, 6 है। बी ऑप्शन है हमारा 17/6, √17/6। सी ऑप्शन है 6/√17। ऑप्शन डी हमारा है नन ऑफ दीज। ओके, ऑप्शन कौन सा सही है, डी हमारा ऑप्शन है। यहाँ पर डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, तो डिस्टेंस के लिए देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कहाँ से है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो ओरिजिन हमारा 0, 0 होता है, तो ये क्या होगा जाके 3 × 0 −2 × 0 प्लस का 2 × कितना हो जाएगा 0 माइनस का 6/, और यहाँ पे रहने वाला है 3^2 प्लस −2^2 प्लस 2^2 कितना 2, और ये किसमें हो जाएगा मॉड में, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सब 0 तो कितना हो जाएगा −6, नीचे हो जाएगा 3^9, 2^4 प्लस का 4, 9 × 4 = 13, तो वैल्यू कितनी आएगी 6/17, काहे में अंडर रूट में, तो अंडर रूट सॉरी 6/√17 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही होने वाला है। तो इस तरीके से आप भी देखिए कि क्वेश्चन हमारे किस तरीके से आपको दिए जा रहे हैं, आपको अगर चीज़ें पता हैं, चीज़ों पे आपने कैसे वर्क किया है, अगर आपने चीज़ों को बेसिक से पढ़ के रखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा अगर आपने क्वेश्चन से नहीं लड़ा है। अगर आपने क्वेश्चन से लड़ा है तो आपका क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, हमेशा आपका क्वेश्चन आपकी जीत होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 15 पे। ओके, आज का जो क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो 15 क्वेश्चन जो आज का है हमसे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ए ऑन वेक्टर बी। ऑप्शन हमारा ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपान बी वेक्टर आएगी। ऑप्शन सी में कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड ए वेक्टर आएगी। सी ऑप्शन हमसे कह रहा है, सी ऑप्शन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड बी वेक्टर आएगी। डी ऑप्शन कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हमें भली भांति पता होना चाहिए कि जब भी अगर प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आता है, क्योंकि प्रोजेक्शन का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है 2017 में शायद समथिंग, ये प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आया था, तो जब भी अगर हमसे कहता है कि ए ऑन बी किस पर पहुंच रहा है, तो वो नीचे होता है, तो फार्मूला यहाँ पे ए ऑन बी पहुंच रहा है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान कितना मॉट बी वेक्टर, या बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर जब पूछता हमसे तो ये हो जाता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए तभी हमसे क्वेश्चन लग पाएंगे। अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी गलती कर दी तो क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो आज की जो नवयुवा पीढ़ी है वो हमेशा इसी चीज़ों पे वर्क कर रही है, पढ़ाई में कम ध्यान चला रहे हैं और फ़ोन में ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं। अरे फ़ोन तो बाद में भी चला लोगे यार, अरे कुछ दिन तो गर्लफ्रेंड नहीं बनाए तो क्या होगा यार, ज़िंदगी ख़राब को थोड़ा ही हो जाएगी। 4 महीने 6 महीने पढ़ दिया और पढ़ने के बाद में जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप कितने भी घुमाओ अपने साथ में कोई नहीं मना करने वाला है। और इसका मतलब ये भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आप गलत तरीके से चीज़ों को करो, गलत तरीक़ों से रहो ताकि आपके माँ बाप का भी नाम ख़राब हो सकता है इसमें, और होता भी है। जनरली चीज़ें यही होती हैं कि जब आप ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागते हो, ज़्यादा चीज़ें अनफेयर मीन्स करते हो, तो चीज़ों पे बैड इफ़ेक्ट पड़ता है आपके साथ साथ आपके परिवेश, आपके परिवार, आपके आपसे जो रिलेटेड हैं उन पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपको गलत भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है, तो कुछ दिन चीज़ों को रोक के रखिए, आप सफल हो जाइए, देन इसके बाद चीज़ें करिए, हर एक कोई करता है यार। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे अच्छे से पढ़ाई करनी है, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारे माँ बाप ने हमसे अपने से दूर भेजा है पढ़ने के लिए, हमें कुछ बनने के लिए,
तो हमें वो करना है और करके भी दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट आज का 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर आपके पेपर में आता है 100%, 1001% मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाता है। कह रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ, कह रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ 18, 35, 42, ठीक है, 10, 21 इंच, ठीक है। कह रहा है कि इन सब की हमें मीडियन बतानी है, मीडियन क्या होगी जाके, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी हमसे कह रहा है 10 रहने वाली है। तो यहाँ से आपको आरोही या अवरोही किसी एक ऑर्डर में फिक्स कर लो। तो मैंने क्या किया कि आरोही में सेट करेंगे, 10 आएगा, 10 के बाद में कितना आएगा 18 आएगा, फिर 21 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 42। यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्म्स लेने कितने हैं, 1, 2, 3, 5। जब ऑड टर्म्स हैं, पदों की संख्या कितनी है ऑड है, तो फार्मूला होता है n प्लस 1 अपान कितना 2, तो 5 प्लस 1 अपान कितना 2 हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा तीसरा पद, तीसरा पद है कितना 21। तो मीडियन हमारी क्या रहेगी, 21 ही रहेगी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमें अब यहाँ पे क्या है कि जब हमें पता है तो यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट हमें देख लेना है कितनी आएगी 21। अगर हमें आता है, नहीं आता है तो फार्मूला याद रखिए, ठीक है। जब बहुत सारे पद हैं तो इसके लिए फार्मूला याद रखिए, ओके। और यही अगर इसमें इवन टर्म हो जाता तब क्या बात करते, इवन टर्म हो जाता तो ये हो जाता n by 2 प्लस 1वा टर्म, और प्लस का हो जाता n by 2वा पद प्लस का, और n प्लस 1 अपान 2वा टर्म, ठीक है। इस तरीके से हो जाता n by 2वा टर्म प्लस n by 2 प्लस 1वा पद और n प्लस 1 अपान 2वा टर्म हो जाता। तो इस तरीके से भी फार्मूला लेके हम इवन के लिए बता सकते थे। सॉरी, इसमें हमने थोड़ा गलत बताया, थोड़ा सा गलत बताया। जब भी अगर इवन टर्म होता तो n by 2, ठीक है, जब भी पदों की संख्या सम होती तो n by 2वां टर्म ये हो जाता, प्लस का हो जाता n by 2 प्लस 1वां पद, ठीक है। तो इस तरीके से बात हम करके देख लेते, हमने प्लस को ऊपर लिख दिया था, तो ये हमें ध्यान दे के रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे लिखा हुआ है, कह रहा है लिमिट a की पावर x माइनस 1 अपान b की पावर, लिमिट x टेंप टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपान b की पावर x माइनस 1 इज, कह रहा है, ठीक है, ऑप्शन a b c एंड d। इसकी वैल्यू क्या होगी जाके, कह रहा है कि log a बेस b, नेक्स्ट कह रहा है कि log b बेस a, नेक्स्ट कह रहा है कि log a अपान b, नेक्स्ट कह रहा है log b अपान कितना a। तो यहाँ से हमने देखा जब भी इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 अपान 0 को फॉर्मेट बनेगा, एल हॉप्टर रूल लगाएंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंप टू 0 a की पावर x का a की पावर x इंटू log a, ठीक है, अपान नीचे भी करेंगे तो ये हो जाएगा b की पावर x अपान log b, ठीक है। और जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो a की पावर 0 अपान b की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास log a अपान कितना log b, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं log a बेस b। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा a सही रहने वाला है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका a सही रहेगा ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन अगले में, ये आज का हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि y इज इक्वल टू क्वेश्चन है sec इनवर्स x प्लस 1 अपान x माइनस 1 प्लस का साइन इनवर्स x माइनस 1 अपान x प्लस 1, ठीक है। देन हमसे कह रहा है देन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन ए वैल्यू कह रहा है 1 आएगा, ऑप्शन बी वैल्यू पाई बाय 2 आएगी,
ऑप्शन सी वैल्यू जीरो आएगी, ऑप्शन डी वैल्यू नन ऑफ दी जाएगी। ठीक है, यहाँ से चूंकि हमें पता होना चाहिए तो y इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, कॉस इनवर्स x माइनस वन अपन x प्लस वन, और नेक्स्ट आगे हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस वन अपन x प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाई टू, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई टू, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। ऑप्शन हमारा c इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन हमारा क्या रहेगा c ऑप्शन रहेगा जो कि राइट आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए बात करेंगे, देखेंगे क्या रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि y इज इक्वल टू, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, y इज इक्वल टू sec tan इनवर्स x, ठीक है, और हम sec tan इनवर्स x, देन हमसे कह रहा है कि dy वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ए में वैल्यू कह रहा है कि x अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगी, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि x अपान रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगी, सी में कह रहा है कि x अपान सॉरी वन अपान एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगी, ऑप्शन डी में वैल्यू कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ठीक है, जब भी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y इज इक्वल टू sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, sec x tan इंटू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा बचेगा x, और ये हो जाएगा sec tan इनवर्स x। tan को sec के फॉर्मेट में लेके जाएंगे क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू या tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार होता है, ये वन हो गया तो ये वैल्यू क्या हो गई वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा sec या sec इनवर्स कर्ण बटे आधार होता है तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी थोड़ी सी मैंने गलती और की यहाँ पे, क्योंकि sec sec x का अवकलन क्या होता है sec x इंटू tan x होता है, तो sec x इंटू tan x और फिर tan इनवर्स का दोबारा से होगा तो ये हो जाएगा वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा प्रॉब्लम रही यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वन अपान वन प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये वाई यहाँ पे हमारा क्या हो गया वाई डैश इसको कर लेते हैं, तो वाई डैश इज इक्वल टू ये रहा, नेक्स्ट अगला वाई डैश इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, तो ये तो हमारा हो गया एक्स, और यहाँ से सेक से सेक कैंसिल हुआ तो ये हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे है वन प्लस एक्स की पावर कितना, तो वन प्लस एक्स की पावर दो है, इसको टू टाइम लिख लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमें क्या रहने वाला है, ये हो जाएगा एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर को तो लिख लेंगे दो बार में रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ से वाई डैश इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स अपान अंडर रूट वन प्लस का कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर दोबारा से ना समझ में आया हो तो दोबारा से भी मैं बताता हूँ, ठीक है, एक बार और देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके एयरफोर्स एग्जाम में आया हुआ है, IAF में आया हुआ है 2019 में। ठीक है, 2019 में ये आया हुआ है, तो नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो यहाँ से अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो y डैश इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा sec x का, देखो यहाँ पे अगर हमें y इज इक्वल टू sec x लिखा हुआ है इसका अवकलन क्या होता है तो ये हो जाता है dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec x इंटू कितना होता है tan x, sec x के साथ में कितना लिखा हुआ tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा sec tan इनवर्स x, नेक्स्ट हो जाएगा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का फिर दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपान वन प्लस का कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन वाई डैश इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया sec tan इनवर्स x, ठीक है, और tan से tan कैंसिल x बचेगा और नीचे हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको tan के फॉर्मेट में लाएंगे तो थोड़ा देख लेंगे यहाँ से, क्योंकि tan थीटा होता है लंब बटे आधार, ये वन हो गया तो ये क्या हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर,
इसको भी 10 sec बनाएंगे, इसको भी sec बनाएंगे, तो y डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा sec और ये हो जाएगा sec इनवर्स, कर्ण बटे आधार होता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये, और यहाँ पे हो गया x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे एक बार में रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगी, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ओके ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिले हुए हैं इस सेट में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे, आज का हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 20 नंबर जो आज का हमारा क्वेश्चन है हमसे कह रहा है इंटीग्रल ऑफ ई की पावर रूट एक्स कॉस ई की पावर रूट एक्स अपान रूट एक्स डी एक्स है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि 2 साइन ई की पावर रूट एक्स प्लस सी आएगा। बी ऑप्शन कह रहा है 2 कॉस ई की पावर अंडर रूट एक्स प्लस सी आएगा। सी ऑप्शन कह रहा है साइन ई की पावर अंडर रूट एक्स प्लस सी वैल्यू आएगी। डी ऑप्शन है -2 साइन अंडर रूट सॉरी ई की पावर अंडर रूट एक्स प्लस सी आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, e की पावर अंडर रूट एक्स को हमें t ले लेना है, तो ये हो जाएगा e की पावर अंडर रूट एक्स की पावर e की पावर अंडर रूट एक्स और x का फिर से होगा तो जाके, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स और dx एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, e की पावर रूट एक्स अपान रूट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा dt टी एक और ये सॉरी यहाँ से dx भी हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर रूट एक्स अपान रूट एक्स, ये dx के बराबर रहेगा तो हमें 2 बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा cos t और क्या हो जाएगा dt, cos t का समाकलन क्या होता है sin t होता है, तो ये हो जाएगा 2 sin t की जगह क्या रखेंगे e की पावर रूट एक्स प्लस का कितना c, ठीक है 2 साइन e की पावर रूट एक्स प्लस का c, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन हमारा क्या होगा ए ऑप्शन सही होगा जाके। ओके ये हमारा आंसर सही रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, आज का 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लिमिट इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to π/6 cos 3x और क्या है dx, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ठीक है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 1/3 आएगी, नेक्स्ट -1/3 आएगी, 1/2 आएगी, माइनस का 1/2 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखिए cos 3x का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sin 3x अपान कितना हो जाएगा 3 और लिमिट 0 to π/6 कितना हो जाएगा 6, 1/3 बाहर ले लेंगे पहले अपर लिमिट, तो साइन 3 इंटू कितना हो जाएगा π/6 और माइनस का कितना हो जाएगा साइन 0, तो 1/3 और ये हो जाएगा π/2, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती 1 होती है, तो आंसर क्या रहने वाला है 1/3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या होगा जाके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वैल्यू एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का कह रहा है कि एरिया क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए 2πab होगा जाके, बी ऑप्शन में कह रहा है कि πab वैल्यू होगी जाके, सी ऑप्शन में कह रहा है कि 1/2 πab वैल्यू होगी जाके, ऑप्शन डी में 1/4 πab वैल्यू होगी जाके, ठीक है। और ये वर्ग इकाई
ये सबके साथ में है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर बी। जब अगर एलिप्स के लिए बात करेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई ए बी होता है। क्या होता है? पाई ए बी होता है। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन आज का। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि डी टू वाई अपॉन टी एक्स टू टू होल पावर टू प्लस का थ्री डी वाई बाई टी एक्स टू होल पावर थ्री प्लस का फाइव इज इक्वल टू जीरो। कह रहा है देन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ, देन कह रहा है कि ऑर्डर एंड डिग्री, इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगी जाके? ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि 2.3 होगी जाके, 1.3 होगी जाके, नेक्स्ट कह रहा है 2.2 होगी जाके, नेक्स्ट कह रहा है कि 3.1 होगी जाके। तो मैंने आपको ऑर्डर एंड डिग्री के लिए क्या बताया था? हाईएस्ट डेरिवेटिव वो क्या होता है? उसका ऑर्डर होता है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर वो उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार, कितने दफ़ा है? 2 बार। इसकी पावर कितनी है? 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सी सही रहने वाला है। ओके, ऑप्शन हमारा सी रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी रहने वाला है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस रूट माइनस वन की पावर 4n प्लस 3 इच, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? ए बी सी एंड डी। 4 ऑप्शन है, पहले में 1, दूसरे में माइनस 1, तीसरे में i, नेक्स्ट में माइनस i। और ये 2022 IAF एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी अगर i की पावर 4 वैल्यू होती, वैल्यू क्या हो जाती? 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई की पावर 4n प्लस का 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आई की पावर कितना? 4n इंटू माइनस आई की पावर कितना हो जाएगा? 3। और आपको पता होना चाहिए कि i की पावर 3 वैल्यू क्या होती? माइनस आई, और एक और माइनस अलग से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए i की पावर 3 इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती? माइनस आई, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का आई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको आया मिला हुआ है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको ना आए, मिलेगा ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आज का हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कह रहा है कि अगर x इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, x इज पॉजिटिव इंटीजर, देन द सॉल्यूशन ऑफ, देन हमसे कह रहा है देन द सॉल्यूशन ऑफ सेट x स्क्वायर प्लस टू, सॉरी, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो इज, ठीक है, देन द सॉल्यूशन ऑफ सेट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले हमें कह रहा है कि 2 आएगी, माइनस 2 आएगा, सी ऑप्शन में कह रहा है 5 आएगा, नल सेट आएगा, और यहाँ पे कह रहा है कि सिंगलटन सेट ये आएगा। तो यहाँ से कह रहा है कि x हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2 आ गई। अब माइनस 2 आ गई तो इसके अकॉर्डिंग ये भी हमारा सही नहीं है, ये भी हमारा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही रहने वाला है, ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, मिल गया नेगेटिव तो हमें वैल्यू है उसके हिसाब से मैच नहीं करेगी, तो हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर a इज इक्वल टू, अगर a इज इक्वल टू a कामा b, ठीक है, देन हमसे कह रहा है p a इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन a b
सी एंड डी। पहले में कह रहा है कि ए की पावर ए कमा बी की पावर बी, बी ऑप्शन में कह रहा है कि ए की पावर बी कमा बी की पावर ए, सी ऑप्शन में कह रहा है फाई कमा ए कमा बी कमा ए कमा बी, ठीक है, और डी में कह रहा है ननापती। तो जब भी अगर इसके लिए हम पावर सेट के लिए बात करते हैं तो फाई या सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, फाई सिंगलटन सेट सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, तो फाई ए बी ए बी फिर ए बी मतलब क्या हो गए, चार सेट आने चाहिए, तो हमारे इसमें क्या होगा, चार सेट आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी सही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट आज का हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर, ठीक है, आया हुआ ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर अगर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि वैल्यू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी रहेगी वैल्यू, बी में कह रहा है बी ऑप्शन ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी रहेगी वैल्यू, ऑप्शन सी में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब भी अगर इस तरीके से बात करता है तो ये ए माइनस बी अगर इंटरसेक्शन लगा हुआ तो यूनियन लग जाएगा तो ए माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, और यही अगर ए माइनस बी यूनियन सी अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है, तो ये हमें चीज़ें याद होनी चाहिए। और देख लीजिए हाँ, डिमॉर्गन लॉ के लिए बारे में देख लीजिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये क्या होता है, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और वही कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये डिमॉर्गन लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आने चाहिए और जरूरी आपके जरूर है, मतलब ये है कि आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा और देख लीजिए कि अगर आपके पास में दे दिया जाए, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आपके पास में लिखा हुआ है 1/i की पावर 69, ठीक है, और इसमें हमने भाग दिया, कितना बचा 64, 17 चौको 68, ठीक है, कितना बचा 1/i बचा, इसमें i का ऊपर मल्टीप्लाई और i का नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा i की पावर कितना, नीचे -1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -i। अगर i की पावर सॉरी 1/i की पावर 69 है या 67 है, ऐसे करके वैल्यू देता है, तो हमें क्या करना है कि उसमें नीचे डायरेक्ट 4 का भाग देना, तो 4 * 4 = 2 = 28 हो गए, 4 * 7 = 28, केवल i बचा जाके, तो 1/i का मतलब होता है -i, 1/i² का मतलब होता है वो भी वो आई होता है, 1/i² का मतलब होता है आई होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें कुछ चीज़ें थी, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था बहुत ही अच्छे लेवल से मैंने तैयार किया था। सो गाइस, अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। आपके एग्ज़ाम से अगर आपने कहीं भी दूसरी जगह भी प्रैक्टिस दे रहे होगे, सेट प्रैक्टिस के लिए आप क्लास ले रहे होगे, और मेरा भी प्रैक्टिस सेट कंपेयर करके देखिएगा, देखिए कि कितना आप कर पा रहे हैं, उसमें आपको स्कोर ज़रूर आपको हमें बताना है कमेंट करके कि आपके 27 मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं, इन 27 क्वेश्चन में से आपने सही कितने किए। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करिए दम से, ठीक है, और हमें भटकना नहीं है और कहीं घूमना नहीं है, हमें अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं और उनके लिए हमें दिन रात जगना पड़े जगेंगे, ठीक है। बस ज़्यादा हमें ज्ञान तो नहीं आता, ज़्यादा प्रवचन भी नहीं आते, बस इतना तो पता है कि बस माँ बाप का कहना ज़रूर मानना है, ठीक है, बाय।